क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। हाँ, फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे ही करने लगी भी, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कि मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। सोनाली फोगाट की मौत पर बहन ने किया बड़ा खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज, मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत पर उनके परिजनों ने एक बार फिर बड़े सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, परिजनों ने सोनाली फोगाट की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उनकी बहन रमन ने कहा कि सोनाली को हार्ट अटैक नहीं आ सकता, वो एकदम फिट थी। हम इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हमारा परिवार ये मान ही नहीं सकता कि सोनाली फोगाट की मौत हार्ट अटैक से हुई, उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी ही नहीं। कह रही थी मैं ठीक ठाक हूँ, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ। हाँ, मैंने कहा अभी तूफान पे कब आएगी, कहती 27 तारीख को आएंगे। जी, मैं कह रही थी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर मम्मा ने सुबह बात की कल, तो मम्मी को ऐसे कहने लगी भी, मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे पता नहीं खाना खाते ही ऐसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे ही कहने लगी भी, मम्मी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहे मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। फिर बाद में सुबह फोन ही आया। अभी सोनाली फोगाट की एक और बहन रूपेश ने कहा सोनाली ने मौत से पहले शाम को कॉल की थी। उन्होंने बताया कि सोनाली व्हाट्सएप पर बात करना चाहती थी और कहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। बाद में उन्होंने फोन कट कर दिया और बाद में फिर फोन नहीं उठाया। इससे पहले सोनाली की बहन ने दावा किया था कि उनकी एक दिन पहले ही सोनाली से फोन पर बात हुई थी। इस दौरान सोनाली फोगाट ने कहा था कि वो ठीक है, शूटिंग के लिए जा रही हैं। उन्होंने बताया कि वो 27 तारीख को लौट कर वापस आ जाएंगी। उन्होंने कहा फिर सोमवार सुबह बात हुई तो उन्होंने माँ से बात की। इस दौरान सोनाली ने अपनी माँ को बताया कि खाना खाने के बाद उनके शरीर में कुछ हरकत हो रही है और ऐसा लग रहा है कि खाने में कुछ गड़बड़ की गई है, शायद कोई साजिश रच रहा है। कल मेरी दीदी से बात हुई थी, शाम को 9 बजे के करीब उनका फोन आया था मेरे पास। तो जैसे सिंपल कॉल आई थी पहले, तो बोली कि मेरे ना व्हाट्सएप पे बात कर, मेरे को व्हाट्सएप पे बात करनी है तेरे से। मैं ठीक है, फिर मैंने फोन मिलाया, मैं खाना बना रही थी उस टाइम, तो बोली ठीक है माँ, हाँ ठीक हूँ। तो फिर उसके बाद फिर यूँ बोली कि मेरे साथ है ना कुछ गलत हो रहा है, कर नहीं यूँ लगा कि मैं ठीक हो नहीं, मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग रही है कर। तो माँ की बात होगी ऐसी, तो जब भी आवाज़ सुनाई थी किसी के कमरे में मानती हूँ, कोई जेंट्स जैसे आवाज़ आई उसकी, तो उस टाइम यूँ बोली कि मैं ना आके बात करूँगी तेरे ऊपर, माँ की बात होगी बता तो दे, बोले ना आके बात हो तो करूँगी, आके बताऊँगी। फिर उस टाइम फिर मैंने भी सोचा खाने का टाइम ज़्यादा ही हो रहा, तो मैंने छोड़ दिया उस टाइम, मैं चलो ठीक है। बोली अमन जी है, माँ हाँ है घर पर ही है, बोले मेरी बात करवा दे उनसे। फिर वो उनसे बात करने लगी, मैं खाना बनाने लगी। लेकिन मैं महीने पहले भी उसका से थी, मैं जब घर जा रही ना, तो उसने ना खीर खाई थी, खीर खाने के बाद उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए। तो उस टाइम मैंने कहा मतलब खीर खाते फिर हाथ पैर भी बंद कर दिए, तो ये बात है ही नहीं, तू चेक करवा ले क्या चीज़ है, कहते खीर में कुछ मिला रखा हो रहा है। बोली ना यूँ के है बस, वन ध्यान ही कौन दिया। अभी कल मेरी माँ बात होगी उसकी शाम में 7-8 बजे से, जब मेरी माँ ने यूँ कही मेरी माँ 2-3 दिन हो गए खाना खाऊंगा, उसके बाद मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दिए है, पता नहीं कोई खाने में कुछ मिला है या पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन फिर वो यूँ बोली मैं सुबह फिर बात करूँगी, लेकिन सुबह मेरे पास बता दें कि बीते दिन बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत की खबर सामने आई थी। उनकी मौत की वजह दिल के दौरे पड़ने से बताई जा रही है। सोनाली फोगाट 42 वर्ष की थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने कुछ कर्मचारियों के साथ गोवा गई थीं। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट ने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ आदमपुर विधानसभा से पिछले साल विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। बिश्नोई तब कांग्रेस में थे, हालांकि हाल ही में वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वी न्यूज। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।